हेलो दोस्तों, सभी को राम राम जोहार। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को कॉलेज का पूरा रिव्यू देने वाला हूं और आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा इस वीडियो में। तो भी आपका मेरे ब्लॉग में ब्लॉग चैनल में जो भी कमेंट आया था, जैसे कि कुछ ने वाईफाई के बारे में पूछा था, तो कुछ ने हॉस्टल यहाँ का जो हॉस्टल फी है, मेस फी है और जो भी एडमिशन फी जो भी वगैरह, सारा डाउट आप लोग को दूर करूँगा इस वीडियो में। और लैब वगैरह क्या सेटअप है कि नहीं, लाइब्रेरी क्या है नहीं है, सारा डाउट आप लोग को इस वीडियो में दूर करूँगा। प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा कि प्लेसमेंट क्या क्या स्थिति है, होगा कि या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को अब चालू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला कमेंट दिखाता हूँ और उसका डाउट दूर करता हूँ। जैसे कि आप इधर कोना में साइड में देखते हैं, इधर या इधर कहीं भी होगा, देख लीजिएगा। जैसे कि आप कोना में देख सकते हैं साइड में, ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा कि हाउ मच परसेंट आई नीड टू गेट सीएससी ब्रांच। तो ये कट ऑफ रिलेटेड जो ब्रांच हो गया, जैसे सीएससी में ये डाउट जो हो गया कट ऑफ रिलेटेड है। तो पहले मैं कट ऑफ दूर करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे किस परसेंटाइल पे कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो सीएससी की बात करूँ तो सीएससी अगर आप लोगों को चाहिए तो सीएससी के लिए मिनिमम एट्टी परसेंटाइल से अभाव आपको चाहिए। 85 कम से कम जनरल के लिए चाहिए सीएससी आप लोग को चाहिए। तो 80 भी ट्राई कर सकते हैं, 80 वाली परसेंटाइल भी ट्राई कर सकते हैं, मिल सकता है जनरल वालों को। और ओबीसी वालों को 70% अभव मतलब मिल सकता है, 75% अभव मिल जाएगा जो जनरल ओबीसी वाले हैं, और एसटी 60 अभव मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को मैकेनिकल और सिविल के बारे में बताता हूँ कटअप कितना जाएगा। तो मैकेनिकल मतलब जनरल हो तो मैकेनिकल और सिविल में 70% के अभाव आपको मिल जाएगा, और ओबीसी वालों को 60+% में मिल जाएगा। एसटी हो तो 50 में भी आप लोग 40-50 में भी आप लोग को मिल जाएगा मैकेनिकल और सिविल। और इलेक्ट्रिकल में एक सीट ज़्यादा है, 120 सीट है, तो इसमें इसका परसेंटाइल और कम होगा। तो जनरल वालों को अगर इलेक्ट्रिकल लेना है तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा 65% ऊपर मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। और जे एन ओ बी सी वालों को 50-60 में मिल जाएगा, और एसटी का 30-40 में भी आप लोग को इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोग का दूसरा क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, व्हाट इज़ द फी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर प्लस एडमिशन। तो जो यहाँ का फी है, मैं आपको फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए साइड में स्क्रीन शॉट दिखता होगा। तो ये जो फी है, देखिए ट्यूशन फी है ओबीसी का, ओबीसी और जनरल के लिए वो 7732 रुपया है, एसटी के लिए 1957 है, गर्ल्स और टीएफडब्ल्यू का 32 रुपया है। और यहाँ पे जो ट्यूशन फी ये था, और स्टूडेंट फंड जो है, स्टूडेंट फंड है 6550 और एसटी के लिए भी 6550, और टीएफडब्ल्यू सब का गर्ल्स स्टूडेंट फंड सब का सेम है। और ट्यूशन फी यहाँ पे चेंज है, देखिए ऊपर देख लिए होंगे स्क्रीन शॉट में। और तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है, स्टूडेंट ने पूछा है, व्हाट इज़ द हॉस्टल फी इट टेक मंथली और सेमेस्टर। तो जो हॉस्टल फी है वो 12 रुपया है, पर यहाँ का इलेक्ट्रिकल चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज है वो मिला के आप लोग को 9,500 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट दिखता होगा आपको साइड में, यहाँ पे हॉस्टल जो फी है, हॉस्टल एडमिशन है 10 रुपया, हॉस्टल फी रेंट 12 रुपया। तो ये सिर्फ हॉस्टल एडमिशन का है सिर्फ फी, और यहाँ का मेंटेनेंस फी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस फी का सालाना 7,000 है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल मतलब बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेंटेनेंस है वो 2,500 है। तो दोनों मिला के 9,500 होता है सिर्फ मेंटेनेंस। एडमिशन तो 12 रुपया ही है, 12 और 10 देख लिए। और तो दोस्तों ये अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाउ इज़ द मेस फूड एंड व्हाट द कॉस्ट। तो मेस का जो खाना है वो आप लोग घर का खाना तो ऐसा नहीं रहेगा, तो जो एक दिन बढ़िया रहता है तो 4 दिन खराबे रहता है। जैसे मेस का देखिए क्या करता है, जैसे स्टार्टिंग 10 दिन बढ़िया ही खिलाएगा, जब पैसा लेने का रहता है तो बढ़िया खिलाता है, उसके बाद से फिर मिलावट चालू कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि उसके बाहर उस देखते हुए बाहर थोड़ा ढाबा वगैरह है कुछ लोग, तो वहाँ आप जा सकते हैं।
लेकिन जब आप लोग आइएगा तो हम लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट में चलाने का सोच रहे हैं। जैसे DTD वाले से बात हुआ था हम लोग का, तो बोले थे तो आप लोग आइएगा स्टूडेंट में से भी चल सकता है, और एक मेस जूनियर से कराएंगे उसमें एक मेस और एक खुल जाएगा, दो मेस चलेगा यहाँ पे। तो वही था जो मेस का मतलब खाना अच्छा ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो मेस आप लोग को एडजस्ट करना होगा खुद से, जैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और जो यहाँ मेस का जो फी है वो 4,900 है पर मंथ, तो भले थोड़ा ज़्यादा है तो आपको एडजस्ट करना होगा। बाकी आप लोग मेस वाले से बात करके कम भी करवा सकते हैं, अगर देखिएगा अपने हिसाब से। तो अब अगला पांचवा क्वेश्चन जो है वह है, इज देयर एनी स्कॉलरशिप एंड एजुकेशनल लोन और समथिंग। तो जो स्कॉलरशिप तो है यहाँ पे झारखंड में, कल्याण मिलता है, पता ही होगा आप लोग को। एजुकेशनल लोन है जो वो तो कॉलेज से तो नहीं, फिलहाल तो नहीं है अवेलेबल, नहीं मिलता है। पर स्कॉलरशिप आप लोग को मिल जाएगा ई कल्याण के थ्रू। तो पैसा आप लोग को ट्यूशन फी और हॉस्टल फी रिटर्न हो जाएगा पूरा, सिर्फ मेस का ही जो फी है आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन आप कमेंट दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा है वाईफाई। तो दोस्तों अगर वाईफाई का जो बात रहा हो तो वाईफाई मेन बिल्डिंग में भी है और हॉस्टल में भी है। तो जैसे ही आप लोग आते आते हैं मतलब दोनों चालू हो जाएगा, वाईफाई दोनों हॉस्टल का भी चालू हो जाएगा और मेन बिल्डिंग का भी चालू हो जाएगा। जहाँ तो जैसे ही फंड आएगा कॉलेज में वैसे ही चालू हो जाएगा, तो उसका वाईफाई का दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है हम लोग सब झेल लिए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है देखिए, ये स्टूडेंट पूछा है लैब और ऑडिटोरियम के बारे में। तो लैब अभी सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। सेटअप टीचर लोग तो हम सर लोग तो बोले हैं कि हो जाएगा अगला बैच तक, तो आप लोग जब तक आइएगा तब तक लैब वगैरह सेटअप हो जाएगा, उसका दिक्कत टेंशन मत लीजिए। बाकी हम लोग जो झेलना था हम लोग झेल लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑडिटोरियम फर्स्ट क्लास रेडी है आप लोग ऑडिटोरियम, आप का मेरे ब्लॉग चैनल भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अपना ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हॉस्टल टूर भी वहाँ पे दिखाया हूँ और कैंपस टूर भी दिखाया हूँ पूरा, मेन बिल्डिंग का भी आपको कैंपस टूर भी किया। तो आप लोग कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो ब्लॉग, तो देख सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी ये कमेंट तो सब ब्लॉग चैनल से ही है। तो दोस्तों अब आखिरी जो सबसे मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है प्लेसमेंट को लेकर। तो प्लेसमेंट के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट बैच ही है। तो देखिए मतलब प्लेसमेंट अगर कुछ बच्चे अगर प्लेसमेंट पे ही डिपेंड है तो ये कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। सिर्फ प्लेसमेंट आपको चाहिए तो सिर्फ तो मैं मेरी कॉलेज आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अदर GFTI देख सकते हैं। देखिए अभी जो प्लेसमेंट है, ठीक है, तो अभी फर्स्ट बैच है हम लोग का, और अभी जैसे कि हम लोग का टैप सेल भी बना हुआ है, बन रहा है। तो उसमें हम लोग जैसे हम लोग जिस तरह से हम लोग काम करेंगे, कंपनी को हम ही लोग बुलाना रहता है, तो टैप सेल में कंपनी को मेल करना रहता है, कॉल करना रहता है जो भी। तो इसी सब काम स्टूडेंट का ही है जो टैप सेल में इन्वॉल्व रहेंगे प्लेसमेंट को लेके। और अभी फर्स्ट बैच है तो 3-4 साल तो कंपनी का चांस कम है आने का, 3-4 साल तो लगभग नहीं आएगा। हम लोग अभी रिस्क में है, हम लोग भी पता नहीं कि आया कि नहीं आएगा, तो कंपनी का आने का चांसेस कम है। तो आप अपना देख लीजिए, सिर्फ CSE वालों को दिक्कत होगा प्लेसमेंट को लेके, बाकी कोर वाले तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। सिर्फ ये दिक्कत सिर्फ CSE वालों के लिए है। तो CSE वालों के लिए बताता हूँ, जो प्लेसमेंट पर डिपेंड है तो इस कॉलेज को आखिरी में रिकमेंड करें अगर कुछ और नहीं मिलता है तो, ठीक है। अगर आपके पास अपना कैपेबल है GFTI तो देख सकते हैं दूसरा GFTI या फिर प्राइवेट कॉलेज भी है। अगर जेक वाले हैं, जेक से हैं, तो आप अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है इसको लेकर सीधी नहीं मिलता है तो, वैसे एक सुझाव मेरे पास है कि अगर कम रैंक भी है 1,000 के बाद है तो CSE तो सिंदरी में मिलेगा नहीं, तो आप काम कर सकते हैं। अगर वहाँ पर सिंदरी में लोअर ब्रांच केमिकल मेटलर्जी सब लेके आप साइड से प्लेसमेंट ले सकते हैं, जैसे कि हर साल भी होता है कि इस बार पिछला साल ही हुआ था मेटलर्जी में कि मेटलर्जी का ज़्यादा स्टूडेंट
प्लेस लिए थे सी एस ए कंपनी में, तो उस तरह आप कर सकते हैं अगर प्लेसमेंट पे डिपेंड है तो, वरना आप सी एस वालों के लिए यही दिक्कत है प्लेसमेंट, और बाकी मतलब फोर मंथ्स के तो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं।